वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी का जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट की ओर से भी और हमारी अपनी ओर से भी अपील है आप सबों से कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और कहीं ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हो तो मास्क का प्रयोग जरूर से करें। जानकारी और सुरक्षा ही अभी के समय की सबसे बड़ी बचाव है। सो घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब हम बात करते हैं अपने जिस पर्पस के लिए हम आप यूट्यूब चैनल में हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको, चूँकि ये पहली क्लास है, तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिलॉसफी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, हाँ, हम आज आपको आपके साथ फिलॉसफी के बेसिक इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, जिसमें हम यह सबसे पहले यह बात करें कि फिलॉसफी, या जिसे आप हिंदी में दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं, ये है क्या, इनमें हम क्या अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ आज के समय में फिलॉसफी की प्रासंगिकता क्या है, यूटिलिटी क्या है, और दर्शन के पढ़ने से या दर्शन को पढ़ने से हमें क्या लाभ हो सकता है या हम क्या हासिल कर सकते हैं, ऐसे मूलभूत सवाल जो आप छात्रों के मन में एक जिज्ञासा के रूप में हमेशा ही बना रहता है कि जैसे अमुक विषय को पढ़ने से ये फ़ायदा है, अमुक कोर्स को करने से ये फ़ायदा हो सकता है, उसी तरह फिलॉसफी को एज ए ग्रेजुएशन लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा है और क्या आप हासिल कर सकते हैं, इन सवालों के साथ ही जो है हम आज का यह वीडियो शुरू करेंगे। क्योंकि बच्चों की शुरुआत में जिज्ञासा होती है कि फिलॉसफी को पढ़कर हम आगे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक विषय के रूप में जो आप किसी विषय को पढ़कर हासिल करते हैं या कर सकते हैं, वो आप फिलॉसफी को भी पढ़ के हासिल कर सकते हैं। जैसे जनरल कॉम्पिटिशन की बात करें, आप IAS PCS की बात करें, अकेडमिक लाइन की बात करें, मतलब टीचिंग सेक्टर की बात करें, चाहे आप यूनिवर्सिटी लेवल बात करें या टेन प्लस टू लेवल की बात करें, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आप फिलोसफी को ऑप्ट कर सकते हैं और स्कोप भी है। कॉम्पिटिटिव में आप SSC बैंकिंग जो भी सारी कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें आप इसका उपयोग ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलता है। चूँकि फिलोसफी में जो फिलोसफी का जो काम है, वो काम क्या है कि टू थिंक, चिंतन करना, सोचना, यानी फिलोसफी इज ए मेंटल एक्सरसाइज। यह एक मानसिक व्यायाम है। तो जब भी आप किसी वस्तु, जब भी आप किसी घटना के परिप्रेक्ष्य में कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, तो आप क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आपकी सोच, आपकी आपके विचार, आपके सोच आपको एक निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। यही निष्कर्ष देना दर्शन का काम है। जीवन की समस्याओं को हम कैसे इसको दूर करें, जीवन हमारा कैसे सफल हो, कैसे सुखमय हो, जीवन में आने वाले दुख कष्ट से हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, फिलॉसफी का यह एक मुख्य काम है। मतलब फिलॉसफी इज नथिंग बट वे टू टीच वे ऑफ लाइफ, यानी दर्शन हमें जीवन जीना सिखाती है। दर्शन जीवन पद्धति को दर्शाती है कि आपके जीवन पद्धति में आप किस तरह से अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिलॉसफी को परिभाषित करते हुए बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि दर्शन शास्त्र विश्व को उसकी संपूर्णताओं में, उसकी समग्रताओं में समझने का एक प्रयास है। अब ये बहुत बड़ी बात है, चंद शब्दों में कह देना तो काफ़ी आसान है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना मैं समझता हूँ कि कठिन है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। आगे भी लेक्चर्स जो हमारे आएंगे उसमें भी हम इसको क्रमबद्ध जो इसका समाधान करते रहेंगे, इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो फिलॉसफी विश्व को उसकी संपूर्णता में, समग्रताओं में समझने का प्रयास है। तो क्या कैसा प्रयास है, तो इसके उत्तर के रूप में हम ये कहते हैं कि फिलॉसफी विशुद्ध रूप से एक बौद्धिक प्रयास है, हाईली मेंटल एक्सरसाइज। हम बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा, विवेक के द्वारा जो हम किन्हीं बातों को सोचते हैं और उस संदर्भ में
हम जब अपना कोई डिसीजन लेते हैं तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और यह हमारी एक अपनी व्यक्तिगत फिलॉसफी होती है। बहुत सारे दार्शनिकों ने फिलॉसफी की इस परिभाषाओं को मान्यता दी है कि दर्शन विश्व को संपूर्णताओं में समझने का एक प्रयास है। आगे उन्होंने कहा है कि यह एक बौद्धिक प्रयास है, यह एक निष्पक्ष प्रयास है, यह एक तटस्थ प्रयास है। अब बौद्धिक प्रयास तो मैंने भी आपसे कहा कि बुद्धि विवेक के द्वारा जो हम किसी डिसीजन किसी बातों पर किसी घटनाओं पर जो डिसीजन लेते हैं। निष्पक्ष का मतलब क्या होगा, तटस्थ का मतलब क्या होगा? तो आप जब भी किसी घटना के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह पहले से ही होता है। जैसे किसी भी आप किसी भी लड़के के बारे में मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर ये अच्छा लड़का है, वो फला लड़का अच्छा लड़का नहीं है। तो क्यों? क्योंकि आपके मन में कुछ ना कुछ उस लड़के के प्रति इंप्रेशन आपके मन में होता है। तो ये निष्पक्षता नहीं है। निष्पक्षता कहने का मतलब है कि आप दोनों ही पक्षों को समान रूप से देखें परखें उसके बाद डिसीजन लें, जैसे न्यायाधीश का काम होता है। कोर्ट में आप देखते हैं, अपने अदालत कोर्ट की अगर कार्रवाई आपने देखी होगी तो आपको ऐसा लगा होगा कि जज साहब दोनों ही पक्षों को समान रूप से सुनते हैं, दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद वो कोई डिसीजन पर आते हैं। मतलब वह तटस्थ है, वह निष्पक्ष है। तो निष्पक्षता और तटस्थता एक ही अवधारणा है जिसमें हम किसी भी वाद या किसी भी सिद्धांत के न होकर बिल्कुल उससे अलग होकर उसके बारे में सोचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिर से आते हैं हम परिभाषा की ओर, फिर से लौटते हैं। चूँकि आज पहली क्लास है तो बहुत ज़्यादा इसको हम अभी बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते हैं। तो फिलॉसफी को परिभाषित करते हुए पाश्चात्य विचारकों का जो मत रहा है वो यही रहा है कि फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र विश्व को उसकी संपूर्णताओं में समग्रताओं में समझने का एक प्रयास है, किंतु यह प्रयास बौद्धिक प्रयास है, बुद्धि के द्वारा होगा। इसका कारण भी है क्योंकि विज्ञान की भांति दर्शन शास्त्र का कोई सीमित लैब नहीं। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और किसी विषय के बारे में आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ हम लैब में कुछ टेस्टिंग करते हैं उसके आधार पर रिजल्ट देते हैं। लेकिन फिलॉसफी में इस तरह कोई लैब्स नहीं है, वहाँ हम कुछ टेस्ट करें और उसके बारे में कहें। हाँ, दूसरे शब्दों में यह कहा जाए तो यह जो सोसाइटी है, यह जो पूरा समाज है, यह जो पूरी दुनिया है, फिलॉसफी के लैब्स अगर बात करें, फिलॉसफी की प्रयोगशालाओं की, फिलॉसफी के लैब्स की, तो ये पूरी दुनिया, ये पूरा समाज ही जो है फिलॉसफी का लैब है। क्योंकि इसी दुनिया में, इसी समाज में आप किसी बात को, किसी वाद को लाते हैं, किसी सिद्धांत को लाते हैं, उसका तर्कतः परीक्षण करते हैं, फिर उसके आधार पर आप एक अवधारणा को जो है सो स्पष्ट करते हैं। कुल मिलाकर अगर यह कहा जाए तो दर्शन का काम मानव कल्याण की ओर, मानव के जीवन से दुखों को दूर करने की ओर जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ भारतीय दर्शन की जो परिभाषा है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय दर्शन का लक्ष्य ही है लोगों को, दर्शन का काम ही है लोगों को दुख से छुटकारा दिलाना, लोगों के मुक्ति के उपाय ढूंढना, या दूसरे शब्दों में कहें मोक्ष प्राप्त करना भारतीय दर्शन का एक चरम लक्ष्य है। अब लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाना या मोक्ष प्राप्त कराना, मोक्ष क्या है, दुख क्या है, तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हर भारतीय दर्शन के इस पॉइंट पर अलग अलग अपने अपने मत हैं। अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सर्वम दुखम, जीवन में सब कुछ दुखमय ही है, जन्म लेना भी दुख है, मृत्यु को जाना भी दुख है, यानी जन्म से लेकर मरण तक की सारी घटनाएं जो है जो दुखमय है, और इससे निवृत्ति को निर्वाण कहते हैं, जिसे हम साधारण अर्थ मोक्ष कह देते हैं। तो उसी तरह से हर भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का अपना अलग अलग मत है। तो भारतीय दर्शन की परिभाषा यदि दिया जाए तो जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय दर्शन का लक्ष्य है दुखों से मुक्ति कराना या मोक्ष के प्राप्ति कराना।
अब यह कैसे संभव है, इसके लिए हमें क्या करना है, इस मत पर, इस विचार पर सारे भारतीय दार्शनिकों के क्या मत है, पाश्चात्य दार्शनिकों के क्या मत है, इस विचार पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।